बच्चों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी स्टैटिक चार्जेस की स्टेशनरी चार्जेस की आज हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस की फ्लोइंग चार्जेस की चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं आइए समझते हैं ये हमने दो ट्यूब्स ले ली टी एंड टी ये दोनों ट्यूब्स यहाँ कनेक्टेड है स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो इनको आइसोलेट करता है दोनों में वाटर है यहाँ T1 वन में लेवल ऑफ वाटर ये है और टी टू में लेवल ऑफ वाटर यहाँ है हालांकि पानी इसमें ज्यादा है लेकिन इसका लेवल कम है अब जब हम इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाटर जो है दोनों का दोनों सोर्सेज ऑफ वाटर का जो वाटर है वो कांटेक्ट में आएगा और वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम टी वन टू टी टू क्योंकि आप जानते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इसी तरह से चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जैसे वाटर के फ्लो के लिए लेवल्स uh, में डिफरेंस ज़रूरी है इसी तरह से चार्ज के फ़्लो के लिए पोटेंशियल्स में डिफरेंस ज़रूरी है पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए चार्जेस के फ्लो करने के लिए ये दो बॉडीज़ हैं एंड बी इन दोनों पर चार्ज है मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल है वी वन और इसका पोटेंशियल है वी टू वी वन इज ग्रेटर देन वी टू दोनों में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है कितना वी वन माइनस वी टू अब जब तक हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे कनेक्ट नहीं करेंगे ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा लेकिन मान लीजिए कि हम इनको कनेक्ट कर देते हैं एक कनेक्टिंग वायर से कंडक्टिंग वायर से तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जैसे वाटर के फ़्लो के लिए लेवल्स में वाटर लेवल्स में डिफरेंस होना ज़रूरी है उसी तरह से चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल्स में डिफरेंस ज़रूरी है अब ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा ठीक वैसे ही जैसे वाटर के लेवल्स इनमें अगर जब सेम हो जाएंगे तो वाटर फ्लो बंद हो जाएगा अब क्या है कि अगर हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए तब हमें क्या करना चाहिए तब हमें यूज करना चाहिए सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी बैटरी या सेल अब ये सेल जो है ये मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस टू बॉडीज और अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर चलिए हम कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर ये हमने ले लिया इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने ये सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा लिया बैटरी लगा लिया सेल लगा लिया अब इसके ईएमएफ की वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इस कंडक्टर में से कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे मान लीजिए कि कंडक्टर के किसी सेक्शन में से चार्ज क्यों फ्लो करता है इन टाइम टी ये चार्ज किसकी वजह से है ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है इन टाइम टी थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्यों ओवर टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर चलिए अब बात करते हैं इसके यूनिट की si unit of current is ampere after the name of the scientist andrew mary ampere uh, he was a ph uh, french physicist and mathematician so after his name the unit of current si unit of current and practical unit of current is एम्पेयर चलिए डिफाइन करते हैं वन एम्पेयर को ये वन कब होगा आई वन एम्पेयर इज इक्वल टू उस केस में ये वन हो जाएगा जब चार्ज वन कूलम्ब होगा और टाइम वन सेकेंड होगा इधर भी वन इधर भी वन तो वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम्ब पर सेकेंड So, हम डिफाइन कर सकते हैं वन एम्पेयर को करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेट टू बी वन एम्पेयर इफ ए चार्ज ऑफ वन कोलम इज फ्लोइंग इन वन सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर चलिए अब बात करते हैं कि करंट के और यूनिट्स कौन से हैं स्मॉलर यूनिट्स आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री एम्पियर्स एंड वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स एम्पियर करंट की डायमेंशन uh, क्या होगी करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इट्स डायमेंशन इज ए और ए रेज टू पावर वन एम्पियर से चलिए अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की direction of direction of positive charges is taken as direction of current a b case इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है इट इज़ ए कन्वेंशन ये रिवाज है ट्रेडिशन है पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को करंट की डायमेंशन डायरेक्शन मानते हैं लेते हैं अब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हुई फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यानी हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल अब ये आउटसाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल के अंदर तो जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सो so, करंट के डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एक चीज और है ए नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन तो हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल और अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स चलिए अब बात करते हैं कि क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है अब करंट का मैग्नीट्यूड uh, भी है ओवर टी? इसकी डायरेक्शन भी है तो आप कह सकते हैं कि करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट नो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर है क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं एल्जबरिक सम ऑफ करेंट्स दूसरी बात टू फाइंड आउट रिजल्टेंट रिजल्टेंट करंट लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन आर नॉट एप्लीकेबल और तीसरी बात कि करंट वायर्स में से फ्लो करता है तो एंगल बिटवीन द वायर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट करंट, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी चलिए अब बात करते हैं करंट कैरियर्स की करंट कैरियर्स क्या होते हैं करंट कैरियर्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं कैरी करते हैं बनाते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स अब आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं करंट को हालांकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स से अपोजिट है लेकिन करंट को बना कौन रहा है इलेक्ट्रॉन्स सो सॉलिड कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स कौन से हैं इलेक्ट्रॉन्स लिक्विड्स में कौन होंगे करंट कैरियर्स लिक्विड्स में आय्स होते हैं तो करंट कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स गैसेस में गैसेस में पॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये कैरी करते हैं करंट को और सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये आप पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉन्स्टिट्यूट करंट इन सेमी कंडक्टर्स होल इज इक्वल इन टू ए पॉजिटिव चार्ज चलिए अब डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन पास ए वायर इन टू मिनट्स इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज थ्री हंड्रेड मिलियम पियर्स यहाँ करंट दिया है थ्री हंड्रेड मिली एम्पियर्स इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर्स में थ्री हंड्रेड इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री एम्पियर्स या हम लिख लेंगे थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड एम्पियर फिर टाइम दिया है टी इज इक्वल टू टू मिनट ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया टू इंटू सिक्सटी सेकेंड्स यहाँ से हम चार्ज uh, निकाल लेंगे हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इं टू टाइम टी इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स तो ये कितना आ जाएगा ये आ गया थर्टी सिक्स अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है तो ये कैसा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज मैं आपको यहां बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिव चार्जेस जो हैं, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू तो हायर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन एन टू ई क्योंकि हमें क्या फाइंड फाइंड आउट करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ से एन कितना आ गया एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई एन इज इक्वल टू क्यू इज नेगेटिव चार्ज ऑफ थर्टी सिक्स कूलम डिवाइडेड बाय ए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम ये कोलम कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स यहाँ जैसे मैं हटा लिया टेन ओवर सिक्सटीन और ये टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन ऊपर जाके टेन रेज टू पावर नाइनटीन Uh, अब एन कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव ओवर टू इंटू टेन टू पावर नाइनटीन तो ये आ जाता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर नाइन अब इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनाएंगे कितना करंट? थ्री हंड्रेड मिली एम्पियर्स चलिए अंदाजा लगाते हैं अब बच्चो हम लिखते हैं वन थाउजेंड वन फॉलोड बाई थ्री जीरोज इज वन थाउजेंड वन फॉलोड बाई फोर जीरोज इज़ बढ़ गया फॉलोड टाइव जीरोज इज़ वन लैख और यहाँ कितना है फॉलोड एंड दैट टू मल्टीप्लाइड विद ट्वेंटी तो बच्चों कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलकर के बनाते हैं कितना चार्ज 300 milliampere which i am sure you have followed thank you